दोस्तों मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए गए जो आपको अंडर 13,000 या इसके 14,000 में आपको ये दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। अगर ये दो कंपनी के साथ में आपको कोई फोन लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए, इसे बताना चाहूंगा। पहला यहाँ पे जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पे मोटोरोला का मोटो S20 प्रो जो एक अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा मी 11X 5G। ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाती है, स्नैपड्रैगन के 870 5G वाले चिपसेट। तो इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए इसे बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहली आती दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो मोटोरोला का मोटो S20 प्रो है उसमें आपको 6.7 इंचेस की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको ओलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 10 बिट कलर वाला डिस्प्ले है। पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलती है। 144 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 576 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है, यानी कि गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा डिस्प्ले के मामले में। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, हालांकि यहाँ मोटोरोला का मोटो S20 था उसमें भी आपको वही सेम डिस्प्ले देखने को मिलती थी। यहाँ पे Xiaomi के Mi 11X की बात करूँ तो यहाँ पे 6.67 इंचेस की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 360 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है, यानी कि रिफ्रेश रेट और टच सैम्पलिंग रेट दोनों आपको कम देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू मोटो S20 प्रो। और यहाँ पे भी आपको Mi 11X में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको रिफ्रेश रेट ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको OLED या AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी जो डिस्प्ले है वो अच्छी कलर्स वाली डिस्प्ले वो यहाँ पे Moto S20 Pro में भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि अगर आपको डिस्प्ले के मामले कोई स्मार्टफोन इसी दो कंपनी के साथ आपको परचेस करना हो तो यहाँ पे बता दूंगा Moto S20 Pro परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसकी डिस्प्ले है वो थोड़ी सी बेटर है स्लाइटली जो एज कम्पेयर टू Mi 11X। तो Mi 11X की भी डिस्प्ले अच्छी है लेकिन वो फ्लैट डिस्प्ले है, पर लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस फ्लेक्सिबल का चाहिए तो Moto S20 Pro को कंसिडर कर सकते हो। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो मैंने पहले बताया यहाँ पे दोनों में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 870 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो एक 7 नैनोमीटर बेस तकले पे काम करता है और 5G चिपसेट रेडी चिपसेट है। ऑक्टा कोर पावर्ड है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। यहाँ पे एड्रिनो का 650 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे दोनों में आपको सेम देखने को मिलते हैं, मल्टीटास्किंग गेमिंग जो भी है काम वो यहाँ पे सारे आसानी से कर सकते हो। हाँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है, बाकी यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको गेमिंग बहुत ही स्मूथली यहाँ पे कर पाओगे। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज की, बताते हैं मोटो S20 प्रो में आपको सिंगल वेरियंट देखने को मिल जाता है 8GB की रैम जो LPDDR5 के साथ में आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है जिसमें आपको UFS3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई एक्सपेंशन ऑप्शन या कोई भी कार्ड स्लॉट यहाँ पे अलग से देखने को नहीं मिलता जिससे एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये सेट फुली है। अगर एक एक्स्ट्रा वेरिएंट देते या अलग से इसे डेडिकेटेड बटन यानी मेमोरी कार्ड ऑप्शन देते तो बहुत ही कमाल का रहता। लेकिन यहाँ पे बता दो Mi 11X में बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी LPDDR5 वाली रैम देखने को मिल जाती है और UFS3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे भी कोई कार्ड स्लॉट यानी कि कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन में कोई भी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे और एक ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। जैसे कि 256GB वाला वेरिएंट देते तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट कर पाता, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में 128GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। हाँ यहाँ पे LPDDR5 और UFS3.1 की स्टोरेज दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, बताएंगे यहाँ पे मोटो S20 प्रो में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है F1.9 एपर्चर के साथ में, दूसरा आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है F2.2 एपर्चर के साथ में, और तीसरा आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 5x जूमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें F3.4 का एपेचर देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है 4K और 10 तक की 13 स्नैपेज दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन यहाँ पे Mi 11X की बात करो तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है F1.79 एपेचर के साथ में, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है 4K और 10 तक की 13 और 16 स्नैपेज दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में।
दोनों ही स्मार्टफोन में बता दें कि कैमरा के मामले में मुझे थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे मोटो एस ट्वेंटी प्रो लगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कैमरा है वो प्राइमरी लेंस अगर आपको मेगापिक्सल काउंट मायने नहीं रखता तो 108 मेगापिक्सल थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू 48 मेगापिक्सल मी 11 एक्स में। और यहाँ पे जो दूसरा आपको अल्ट्रा वाइड लेंस है वो भी आपको बेटर डबल वाला देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू मी 11 एक्स। और यहाँ पे टेलीफोटो लेंस है जो आपको यहाँ पे मी 11 एक्स में देखने को नहीं मिलता। तो कैमरा सेक्शन के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे मोटो एस ट्वेंटी प्रो है वो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मोटो एस ट्वेंटी था उसमें भी आपको वही सेम यहाँ पे कैमरा सेटअप देखने को मिलता था, ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आप वो भी परचेज करेंगे तो भी अच्छा रहेगा मी 11 एक्स के मुकाबले। और यहाँ पे मी जो मोटो एस ट्वेंटी प्रो है वो भी आप परचेज कर सकते हो, लेकिन मी 11 एक्स का जो कैमरा है वो आपको एक बेसिक वाला कैमरा कह सकते हो, बाकी इतना बड़ा एक अच्छा कैमरा तो हम नहीं कह सकते। हाँ ऑन द पेपर बात करते हैं लेकिन आपको ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है, बाकी ऑल ओवर कैमरा सेक्शन के मामले ऑब्वियसली मोटोरोला का मोटो एस ट्वेंटी वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी करने की, तो दोनों ही ऐप में आपको सेम सेल्फी देखने को मिल जाती है, 32 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है, f2.25 का एपिचर और f2.45 का एपिचर देखने को मिल जाता है। मी 11 एक्स में आपको 2.245 का एपिचर देखने को मिल जाता है, तो एपिचर में आपको फर्क देखने को मिलता है। HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो मी 11 एक्स में, लेकिन मोटो एस ट्वेंटी प्रो में आपको 4K का भी रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा के मामले में। तो ऑन द पेपर मेगापिक्सल काउंट सेम है, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फर्क हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एपिचर में भी फर्क देखने को मिलता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो अच्छा खासा एपिचर भी आपको मोटो एस ट्वेंटी प्रो में हम कह सकते हैं, बाकी ऑल द पेपर जो बात कर मैंने पहले भी कहता है कि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है, बाकी ऑल ओवर यहाँ पे ऑन द पेपर बात करें तो सेल्फी कैमरा आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की, बताएगा मोटो एस ट्वेंटी प्रो में और यहाँ पे मी 11 एक्स में आपको बहुत ही कमाल की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है, लेकिन मोटो एस ट्वेंटी प्रो में आपको 4500 एमएच की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 13 वाट का टर्बो पावर चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स, यानी कि चार्जिंग स्पीड आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे मी 11 एक्स में भी आपको 4520 एमएच की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12.5 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम आपको बैटरी बैकअप हम कह सकते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ आपको पीछे वाला जो नंबर है उसमें फर्क देखने को मिलता है, बाकी सेम बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। चार्जिंग स्पीड भी हम कह सकते हैं कि सेम देखने का 33 वाट और 30 वाट इसमें का ज्यादा अंतर नहीं है, तो चार्जिंग स्पीड भी आपको सिमिलैरिटी ही देखने को मिल जाती है, फर्क नहीं, फर्क यहाँ पे सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाता है जो कस्टमाइजेशन में है। तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के मामले में यहाँ पे मोटो एस ट्वेंटी प्रो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, दोनों में स्मार्टफोन आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है, ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही स्मार्टफोन आपको नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही स्मार्टफोन आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको कोई भी 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अलग से आपको एडेप्टर परचेज करना पड़ेगा या ब्लूटूथ का ईयरफोन आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दोनों ही स्मार्टफोन कोई भी कार्ड एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको बता देगा मी 11 एक्स में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन जो आपको मोटो एस ट्वेंटी प्रो में आपको वो सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका भी बेस आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाए। और यहाँ पे बता देगा मोटो एस ट्वेंटी प्रो में आपको ब्लूटूथ का 5.1 देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको मी 11 एक्स में आपको ब्लूटूथ का 5.2 NFC देखने को मिल जाता है, और NFC आपको मोटो एस ट्वेंटी प्रो में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिलता है, ज्यादा अंतर नहीं है, फर्क यहाँ पे ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ में हो जाता है जो आपको मी 11 एक्स में प्रोवाइड कर रहा है। दोनों स्मार्टफोन के कलर रेट और प्राइस की बात करें, मोटो एस ट्वेंटी प्रो में आपको दो अलग अलग कलर रेट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो आपको सिंगल वेरियंट है तो 37,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, जो प्राइस बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे इसकी जो सेलिंग है 3rd October को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। लेकिन जो मी 11 एक्स है उसकी प्राइस बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे जो तीन अलग अलग कलर देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करें यहाँ पे जो बेस वेरियंट है उसकी प्राइस 27,000 के प्राइस में फोन पड़ेगा, और दूसरा 8G वाला वेरियंट है उसकी प्राइस की बात करें तो 29,000 यानी कि 29,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा, और इसकी भी सेलिंग आपको अमेजन पे देखने को मिल
मिल जाएगी तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करें तो कौन सा फोन लेना चाहे, तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आपको पता लगा यहाँ पे जो डिस्प्ले के मामले में और जो भी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में रैम और स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको सेम जैसा, यानी कि जो वर्जन है वो यहाँ पे सेम देखने को मिलता है, जो प्रोसेसर है वो भी आपको सेम देखने को मिलता है, लेकिन आपको प्रोसेसिंग के लिए आपको बेसिक फोन चाहिए आपको अच्छी गेमिंग करने के लिए, तो यहाँ पे Xiaomi का Mi 11X परचेस कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो Moto H20 Pro है वो थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल का फोन हो जाता है जो स्पेसिफिकेशन के मुकाबले, अगर आपको कैमरा मायने नहीं रखता तो यहाँ पे कैमरा अच्छा खासा चाहिए तो Moto H20 Pro को प्रीफर कर सकते हो। बाकी हालांकि आपको सिर्फ गेमिंग अच्छी खासी करनी है तो Mi 11X को प्रीफर कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे बता दो मी जो Moto H20 Pro इसमें आपको प्रोसेसर का और रैम और स्टोरेज का फर्क देखने को मिलता है, बाकी सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन आपको Moto H20 में भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको पता चलेगा जो आपको प्रोसेसर के साथ में कोई आपको अच्छा खासा प्राइस सेगमेंट थोड़ा सा कम चाहिए तो 30,000 की प्राइस में वो भी आपको फोन अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, मोटरोला का ही फोन है तो यहाँ पे प्रीफर कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपको मोटरोला के फोन में ही अच्छा मिलेगा जो Xiaomi के Mi 11X में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, या हमारा मोटरोला का Moto H20 Pro या हमारा Xiaomi का Mi 11X 5G, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।